हाँ जी, आज पंप बंद है। मुझे पता नहीं था क्यों बंद है, किस वजह से बंद है जी। तेल ही है नहीं बस। आपको पता नहीं था पेट्रोल पंप बंद है आज? नहीं नहीं बीकानेर संभाग के सभी पेट्रोल पंप अनिश्चितकालीन के लिए बंद किए जा रहे हैं। तो हम तो पहले ही हरियाणा पंजाब के जो रेट था 12 रुपये लीटर का फ़र्क आ गया, उससे वैसे ही पीड़ित थे। और अब ये कोड पे खाज, ये जो नई बायोडीजल और ये जो नकली डीजल आ रहा है, तो हमारे धंधे तो वैसे ही बिल्कुल बंद होने की कगार पे आ चुके हैं। सुना है आपने कारण क्या है पेट्रोल पंप को 25 अक्टूबर से बंद करने का? जय, आपको पेट्रोल पंप यूनियन के पदाधिकारी के द्वारा कुछ शब्दों में ही बता दिया है। हनुमानगढ़ जिले के पेट्रोल पंप आज 25 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आप पंप पर आए थे, क्या बात हुई, पंप बंद है? हाँ जी, आज पंप बंद है। मुझे पता नहीं था क्यों बंद है, किस वजह से बंद है जी। मैं तेल डलवाना है जी, मेरे को पीलीबंगा जाना है काम करने के लिए। अब इसमें तेल नहीं है, मैं कैसे जाऊँ जी। तेल की समस्या तो है। हाँ जी, समस्या है, महंगा हो गया जी तेल, 119 रुपये हो गया। तेल सस्ता होना चाहिए जी। जब बाइक ली थी आज से 2 साल पहले 60 रुपये प्रति लीटर था जी, और अब डबल हो गया जी। तो कम होना। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं सुरेसिया से हूँ जी, हनुमानगढ़ जंक्शन। हालांकि पेट्रोल पंप बंद होने से यहाँ एक और ग्राहकों को समस्या तो ज़रूर है, लेकिन पंप वालों की अपनी समस्या है। राज्य का वेट हरियाणा पंजाब से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर महंगा मिलता है पेट्रोल डीजल, और बायो डीजल की कालाबाजारी से भी पंप परेशान हो चुके हैं। पंप के मालिकों का कहना है कि एक ओर राज्य और केंद्र सरकार का वेट ज़्यादा है, वहीं दूसरी ओर बायो डीजल की कालाबाजारी से हमारे पेट्रोल पंपों का धंधा बिल्कुल चौपट हो चुका है। इन्हीं मांगों को लेकर GST में डीजल पेट्रोल को लाने को लेकर पेट्रोल पंप 25 अक्टूबर से बंद हो चुके हैं। पर आए थे, क्या बात हुई सर? तेल ही है नहीं बस। आपको पता नहीं था पेट्रोल पंप बंद है आज? नहीं नहीं क्या कारण है बंद होने का? क्या पता जी क्या कारण कर रखा, हड़ताल कर रखी है। हड़ताल कर रखी है? हाँ जी। और तेल के बारे में क्या कहेंगे, जो रेट बढ़ रहे हैं? रेट तो वद ही रहा, अब क्या लाज, दुनिया के साथ ही है। कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रही है। सारे महंगाई महंगाई है। किना दादा? गुरलाल सिंह। हालांकि कांग्रेस और BJP के नेताओं से जब मीडिया के द्वारा यह सवाल किया जाता है कि राज्य का वेट ज़्यादा है, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का यही कहना होता है कि BJP सेंट्रल गवर्नमेंट से वेट कम करे, और BJP के नेताओं का यह कहना होता है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपना वेट जो लगाया हुआ है उसे कम क्यों नहीं कर रही है। दोनों पार्टियां ही एक दूसरे पर दोषारोपण करती आ रही हैं, लेकिन ग्राहक परेशान है, पेट्रोल पंप के मालिक परेशान हैं, और महंगाई के इस दौर में गुजारा करना खासकर गरीबों के लिए मुश्किल हो चुका है। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या राजस्थान सरकार अपने राज्य का वेट कम करती है और ग्राहकों को और पेट्रोल पंप वालों को कोई राहत देती है, या फिर यह हड़ताल लंबी चलती है।